आप सामने स्क्रीन पर जो बावड़ी देख रहे हैं वह लगभग 500 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह बावड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील मुख्यालय के मांगरौल टेटरा तिराहा MS रोड पर, जो वर्तमान में नेशनल हाईवे 552 के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह बावड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसे लोग सेवाराम की बावड़ी के नाम से जानते हैं, जिसे सबलगढ़ निवासी श्री सेवाराम पालीवाल ने यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने परोपकार की दृष्टि से निर्माण करवाया था। वर्तमान में इनकी चौथी पीढ़ी इस स्थान व भूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। जहाँ वर्तमान सरकार आज के दौर में जल जीवन मिशन, जल संरक्षण मिशन, अमृत सरोवर निर्माण जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन पुराने जल स्रोत, कुओं व बावड़ियों पर समुचित ध्यान का अभाव है। सरकार द्वारा जल संरक्षण से तर हमारे बुजुर्गों द्वारा जल संरक्षण की पद्धति कई सदियों पुरानी है, जिसके प्रमाण के रूप में 500 वर्ष पुरानी इस बावड़ी की संरचना को देखा जा सकता है। यहाँ किया गया निर्माण वास्तव में 500 वर्ष पूर्व हमारे कारीगरों की बेहतरीन इंजीनियरिंग को बयान करती है। इस बावड़ी की सीढ़ी नुमा संरचना द्वारा कोई भी राहगीर बिना किसी साधन के भी सीढ़ियों के माध्यम से बावड़ी में जाकर बड़ी सहजता से पानी पी सकता था तथा किसी भी प्रकार से पानी में गिरने पर सहजता से बाहर भी आ सकता था। जहां आज करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी जल संरक्षण के नाम पर शासकीय धन की बंदरबांट व परिणाम के रूप में योजना का कुछ प्रतिशत उद्देश्य ही सफल नजर आता है, ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान सरकारों को इस प्रकार की प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण तथा बावड़ियों को चिन्हित कर प्राथमिकता पर उनके जीर्णोद्धार तथा ऐसे जल स्रोतों के नज़दीक पर्याप्त वाटर हार्वेस्टिंग इकाइयों का निर्माण कर इनकी पुनर्जीवन की दिशा में प्रयास करना एक सार्थक पहल हो सकता है। नाम है दिलीप कुमार पालीवाल। ये बावड़ी आपकी है? जी हाँ। इसका जो निर्माण है कितने वर्ष पूर्व कराया था? ये कम से कम 500 साल पुराना है। किसने कराया था? ये हमारे सेवाराम भोले ने कराया। मतलब आपके परिवार के लोगों ने, आपके पूर्वजों ने? जी हाँ। हम चौथी पीढ़ी है। अच्छा, तो क्यों कराया इसका निर्माण? यहाँ आम जनता के लिए पैदल यात्री चलते थे, उनके लिए पानी पीने के लिए पहले एक पैदल यात्रा आई, अब तो ये गाड़ी बसों भी चल गई है, इसलिए अभी भी कभी काफ़ी लोग देखने आते हैं। तो बाहर से लोग आते हैं इसे देखने? जी हाँ। अच्छा हाँ। तो बरसातों में जी जो उसका पानी है, जो भी इसमें काफ़ी पानी है जी, कहाँ तक आ जाता है? जी कम से कम यहाँ तक आ जाता है जी। हम मैं खड़ा हूँ यहाँ से, दरवाजे सामने के सब जाते हैं। अच्छा, तो उसका पानी आज भी पीते हैं आप? और क्या, आज भी पी रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं इसे? काफ़ी दूर तक के आते हैं, ग्वालियर से लेकर भंड तक के ये यात्री निकलते हैं कैला देवी पे, ये पूरे पानी पी के जाते हैं, आते यहीं रुकते हैं। अच्छा ठीक।